प्रश्न 31। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो लिखेंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, वाले, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालेंगे। अब देखिए गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³। तो 4/3 π को पाई ही रहने देंगे क्योंकि भाग देना है आगे चल के। आर आर कितना है, त्रिज्या कितना है 8, तो आर की जगह पे 8 लिखेंगे यानी 8³। तो हो गया यहाँ पे 4/3 π गुना 8³ क्या हो जाएगा, तो 8 × 8 × 8 होगा 512। और यहाँ पे लिखेंगे घन सेंटीमीटर, आयतन घन में आता है, तो 8³ हो जाएगा 512। 8 × 8 = 64, 64 × 8 हो जाएगा 512। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकल चुका है 4/3 π × 512 घन सेंटीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन तो यहाँ पे देखिए गोली है यानी गोले के जैसा होगा, तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ भी लगाएंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/3 π को पाई ही रहने देंगे गुना आर। आर कितना है, देखिए 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो आर की जगह पे 1 लिखेंगे, तो 1³ हो जाएगा यानी कितना आ गया 4/3 π। 1³ होगा, तो 4/3 π × 1 क्या हो जाएगा 4/3 π। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन आ गया 4/3 π³ सेंटीमीटर। तो दोनों का आयतन हम निकाल चुके हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आ गया है 4/3 π × 512 घन सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन आ गया है 4/3 π³ घन सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः, क्या पूछ रहा था, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो हम लिखेंगे गोलियां, ये गोल गोली गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पहले लिखेंगे, तो 4/3 π × 512 / 4/3 π, यहाँ पे घन सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ भी घन सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन को ऊपर लिखेंगे और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी गोलियों की संख्या निकालने के लिए हमको 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आयतन से भाग देना होगा। तो देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया 512। तो गोलियों की संख्या कितना हो गया 512।
तो इस तरह प्रश्न 31 हल करेंगे।